दोस्तों काम बोलेगा चैनल से मैं राजेश वर्मा इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्रिज जो है बंद चालू क्यों होती है। तो फ्रिज के पीछे आने के बाद किसी भी तार को छूने से पहले फ्रिज की जो वायर है उसे निकाल लें, करंट लगने का चांस बिल्कुल नहीं लें। सिंपल आपको क्या करनी, हम यहाँ पर बताएंगे आपको आसान तरीका। देखिए फ्रिज के बंद चालू होने की प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रिज में लगी जो छोटी छोटी पार्ट रिले ऑयल पे होती है इसे निकालनी है। कई बार ओवरलोड जो होती है कमज़ोर हो जाती है जिसके कारण ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से बंद चालू होती है। इस कंडीशंस में आपको सिंपल इतना ही करना है कि ये जो रिले ऑयल पे होती है इसे मार्केट से आपको दूसरी लानी है और अच्छी कंडीशंस में ऑयल पे और रिले को एक बार चेंज करके देखेंगे तो आपकी कंप्रेसर जो है फिर से चालू हो जाएगी। गैस होगी तो कूलिंग भी करेगा। बहुत कम ऐसे चांस होती है जो कि कंप्रेसर कभी कभी ख़राब हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अक्सर जो प्रॉब्लम आती है ये दो रिले ऑयल पे होती है। ये ओवरलोड दिख रही है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसे ख़रीदना सिंपल है, 50-60 रुपये की एक पीस मिल जाती है। इसे खरीद कर वापस लगाएंगे तो आपकी जो कंप्रेसर में फिर से चालू हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हम आपको लगा के दिखाते हैं। लगाना भी काफ़ी सिंपल होती है, बिल्कुल इस तरीके से कंप्रेसर के ऊपर रखनी है और आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। रिले ऑयल पे निकालने से पहले एक बार आप मोबाइल से फ़ोटो ले लेंगे तो कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होगी। काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान तरीका होती है ओवरलोड रिले ऑयल पे चेंज करना और आपकी फ्रिज जो बंद चालू की प्रॉब्लम हो रही है उसे काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। इस वीडियो में काम बोलेगा, अगले वीडियो में हम बोलेंगे। नए वीडियो लेकर बहुत बहुत धन्यवाद।